वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल और मैं हूँ मुस्कान। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सरोजनी नगर मेकअप लुक। एज यू ऑल गाइज नो बाय द टाइटल एंड द थंबनेल कि आज हम करने वाले हैं सरोजनी नगर मेकअप लुक। सो या बी रेडी और ये वाले फेस को सुंदर सुंदर बनाएंगे सरोजनी नगर का मेकअप करके। और इस बार मैंने काफी अलग और न्यू चीजें ट्राई की हैं। सो लेट्स सी कि ये सरोजनी नगर का मेकअप कैसे होने वाला है। और सो हियर इज द सरोजनी मेकअप। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज प्राइमर। मॉइस्चराइज मैंने अपने फेस को कर लिया है। नाउ वी हैव अ वेरी डैशिंग प्राइमर। सो दिस इज द ब्रांड फ्रॉम लैक्मे 925 इनफॉलिबल मैटिफाइंग बेस। हिंदुस्तान टाइम्स वाला लोगो एंड स्टफ सब दे रखा है और काफ़ी अच्छे से पीछे एक्सप्लेन भी किया हुआ। पैकेजिंग भी काफ़ी मैच करने की कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक ऐसी काइंड ऑफ कोई पैकेजिंग आती भी है। और अंदर से निकलता है हमारा पीली पैकेजिंग में। एक मिनट, क्या हो गया भाई। ओके, तो अंदर से निकलता हमारी पीली पैकेजिंग में हमारा प्राइमर। बिल्कुल भी मैच नहीं करता वो अपने पैकेजिंग से। बहुत बहुत रबिश पैकेजिंग। लेट्स ट्राई। ओके, लेट्स ट्राई करेंगे। ठीक है, निपे। ओके, आई हैव वन मोर थिंग टू शो यू। आई हैव दिस मिरर फ्रॉम सरोजनी नगर। लेट्स अप्लाई। ओके, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जेल है। फेस पे लगाने के बाद भी जेल जैसा ही फील दे रहा है, नॉट लाइक अ प्राइमर। और चीज़ लाई थी मैं आपको, हमेशा हर चीज़ दिखाना भूल जाए, जैसे मिरर। उसके बाद मैंने ये लाई थी फेस रेजर फ्रॉम सरोजनी। ठीक है, मैंने ये भी ट्राई किए हैं, लेकिन इसका वीडियो मैं डालने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। फाउंडेशन, दिस इज फ्रॉम न्यूड। ठीक है, शेड नंबर है मेरा 2। आई डोंट थिंक दैट आई कैन प्रोनाउंस दिस, सो यू कैन इफ यू कैन। शेड ब्यूटी। आई डोंट नो। ऑल ओवर माय फेस। आई डोंट थिंक नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेकेंड लेयर, बिकॉज फर्स्ट लेयर से आई डोंट थिंक कुछ भी कवर हुआ है। आई क्लियरली सी एवरी सिंगल थिंग ऑन माई फेस। पिम्पल मार्क्स, एवरी थिंग, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, सब कुछ इंटैक्ट है। ओके गाइज, तो अब ये है अपडेट कि मैंने अपने फाउंडेशन को काफ़ी ज़्यादा लेयर लगा ली है, तो थोड़ा थोड़ा कर रहा है, ठीक लग रहा है थोड़ा। मैं आप लोगों को एक अमेजिंग चीज़ दिखाना चाहूँगी जिसका आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, मेकअप ब्रशेस। सो देयर इज द मेकअप ब्रशेस। सो मैं आपको दिखाती हूँ वन बाय वन। ट्राई करेंगे सारे मेकअप ब्रशेस को, लेकिन बाद में। ओके गाइज, सो नेक्स्ट थिंग, आई हैव दिस रियली ब्यूटिफुल आई शेडो पैलेट। एंड दिस इज नॉट जस्ट आई शेडो पैलेट, ये फेस एंड आई शेडो पैलेट है। एंड दिस इज फ्रॉम स्टील पैरिस। ओके, दिस इज फ्रॉम स्टील पैरिस। 8 आई शेडो एंड 2 ब्लश एंड हाईलाइटर। सो या, दिस इज द आई शेडो पैलेट। इसमें कोई भी मैट शेड नहीं है। यू गॉट दिस रियली ब्यूटिफुल 8 आई शेडोज। ये शिमरी आई शेडोज हैं। एक मैट ब्लश मिलेगा आपको और एक ब्रॉन्जर काइंड ऑफ थिंग मिलेगी जो हम करेंगे इससे ब्रॉन्जिंग। ठीक है, और ये 2 हाईलाइटर शेड है, बहुत ब्यूटीफुल है। फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे ब्लश। तो एज यू गाइस कैन सी, ब्लश काफी ज्यादा डार्क लग रहा है। ऑब्वियसली ब्लश का शेड काफी ज्यादा डार्क है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका शेड। लिटरली काफी डार्क है, तो हम एक काम करेंगे, एक बार इसको डंप करेंगे। ठीक है, फिर अपने बैक ऑफ हैंड पे करेंगे। कलर ही नहीं आया ब्रश पे, कलर ही नहीं आया। आई कांट सी एनी कलर। सो थोड़ा ज़्यादा करेंगे, थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा तो नहीं, बिल्कुल नहीं आया। क्या हो रहा है, ये हाथ पे बहुत ज़्यादा आ गया, ब्रश पे नहीं आ रहा है। आ रहा है कुछ तो, नथिंग कमिंग आउट। अब आया होगा, अब शायद दिख रहा है, पर हाथ पे क्यों नहीं आ रहा। तो हम फेस पर अप्लाई करेंगे, हाथ पे नहीं आ रहा है, तो फेस पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम इस साइड अप्लाई करेंगे क्योंकि वो मैच कर दिया हमने, बाद में ठीक करेंगे। ठीक है, और बहुत हल्के हाथ से, पता नहीं इसके अंदर कहाँ ब्लश जा रहा है, फिर डायरेक्टली फेस पे लग रहा है, हाथ पे आ ही नहीं रहा। तो हम ऐसे ऐसे करेंगे डायग्राम। नाउ इट्स कमिंग आउट। मुझे थोड़ा वाइट करना पड़ेगा, वरना वैसे ही फाउंडेशन अच्छा नहीं है, ब्लश भी खराब हो जाएगा, तो पूरा फेस खराब हो जाएगा। बी केयरफुल गाइस, मजाक नहीं है मेकअप के साथ। मजाक, मेकअप एक मजाक नहीं है, मेकअप इज एन आर्ट। सो या, ब्लश आ रहा है, ब्लश को ब्लेंड करेंगे, पहले ब्रश क्लीन करेंगे, उसके बाद ब्रश को ब्लेंड करेंगे। हमारा जो ब्लश है वो कम हो जाए, मच मच बेटर। ब्रश ने धोखा दिया या ब्लश ने धोखा दिया है। इस ब्रश को तो मैं काफी टाइम यूज कर चुकी हूँ, अमेज़न के ब्रशेस हैं।
ओके गाइस, हम अब अपने नए वाले ब्रश यूज करेंगे हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। तो मैं ब्रश करूंगी यूज दिस वन, दिस इज द रियली रियली क्यूट फैन ब्रश। तो मैं दो शेड के लूंगी हाइलाइटर, ये वाला जो थोड़ा शैम्पेन शेड में। यार क्या प्रॉब्लम है, चलो लेट्स अप्लाई। यू गाइस कैन सी दिस ग्लो, दिस इज फ्रॉम सरोजिनी का पैलेट। लुक एट दिस ग्लो, वाओ। और ये सरोजिनी का हाइलाइटर है, नो हाइलाइटर एंड विद हाइलाइटर। ब्रशेस मिले हैं इसमें, कुछ सेंस के ब्रशेस नहीं है, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं। ठीक है, तो एक ही फ्लैट टाइप का ब्रश है, थोड़ा ब्लेंडिंग में भी यूज हो सकता है। ये तो कोई तो आई डोंट नो, ये कोई तो है ब्रश, पता नहीं क्या शेप है इसकी, आई डोंट नो, कुछ तो है। और इस ब्रश की शेप भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई, बट हम इसे ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा महंगे ब्रशेज नहीं है, जो भी प्राइस होगा मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी जितने के ब्रशेज हैं, बट अगर ब्रशेज के प्राइस से देखा जाए तो ग्रेट डील। ये ऑब्वियसली इसमें कोई मैट शेड नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, क्या करूँ पिंक शेड फर्स्ट। ठीक है गाइस, तो हमने अपने आईज को दिया है पिंक का बेस, तो अब हम अप्लाई करेंगे कुछ शिमरी शेड जो बहुत सारे हैं इस आई शेडो पैलेट में। सो आई एम गोइंग फॉर दिस पर्पल शेड। सो हम फिंगर से ही अप्लाई करेंगे, लेट्स सी। पहले चौकी है, माय फर्स्ट इम्प्रेशन इज चौकी, बट आईज पे देखते हैं कैसा वर्क कर। फ्रंट लिड पे हम इसे अप्लाई कर रहे हैं, looks good on eyes. So I am almost done with my makeup. मैंने थोड़े बहुत touch-ups करे, like मैंने अपने eyebrows done किया, because मैं eyebrow pencil भी लाई थी, मैं आपको दिखा दूंगी shots में। So now I'm going to highlight my inner corners. तो मैंने वही वाला beautiful champagne shade लिया है। So yeah, let's apply. Yes, it is really good. All in all, highlighter बहुत ही ज़्यादा beautiful है। तो मेरे पास है ये beautiful सी nude pink shade, जिसके लिए मैंने अपने lips को outline कर लिया है, like lip liner apply कर लिया है। तो lipstick का name है pink की Valentine's, that's it. ठीक है, ओके गाइज, दैट्स इट फॉर सरोजनी नगर मेकअप लुक। आई होप आप सब लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ सीखने को मिला हो तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस पूरे के पूरे पैलेट, आई मीन पूरे के पूरे मेकअप में से मेरा क्या फेवरेट है। सो आई लव दिस आई शेडो पैलेट, बिकॉज ये आईज पर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और मेरे चीक्स पर भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। यू गाइज कैन सी दिस ब्यूटीफुल वाला। बाकी फाउंडेशन आई डिडंट लाइक टू मच, एंड आई लव लिपस्टिक एज वेल, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है लिप्स पे। आप लोग सरोजिनी नगर से क्या ट्राई कर सकते हो, आई सजेस्ट यू आई शेडोज, ब्लश एंड हाइलाइटर। एंड आई हैव वन मोर थिंग, आप ट्राई कर सकते हो ये मेकअप ब्रशेस। ठीक है, और ये वाली वीडियो पसंद आई हो, मज़ा आया हो देखने में, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक करना, और मेरी जो दूसरी वाली सरोजिनी नगर की मेकअप लुक्स है वो भी चेकआउट कर लेना। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।